नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है, क्या जिंदगी में कभी हम अपने मकान में, अपने घर में रह पाएंगे जो हमारा अपना खरीदा हुआ है, ना कि रेंटल, ना कि किसी तरह का कोई भी किराए का मकान। उसके लिए कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो हमें हमारा अपना घर देते हैं, मकान देते हैं, वह आशियाना देते हैं। तो बात करेंगे आज हम कुंडली के अंदर। देखिए, इसके अंदर आप कुंडली के अंदर अगर आप चलेंगे तो आपके काफी सारी ऐसी चीजें हैं, काफी सारे ऐसे बॉक्सेस हैं जो बताएंगे कि वाकई में आपके पास अपना घर होगा या नहीं होगा। तो बात कर रहे हैं फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस। फोर, नाइन एंड टेन, ये तीन ऐसे बॉक्सेस हैं जो जिंदगी में आपको बता देंगे कि आपके पास अपना कभी घर होगा या नहीं होगा, जब आप किराए पर ही रहेंगे। तो बात कर रहे हैं, देखिए इन तीन ग्रहों, तीन बॉक्सों के अंदर कौन से ऐसे प्लैनेट्स होने चाहिए। सूर्य का होना बहुत अच्छा है, लाजमी है। शनि का होना बहुत जरूरी है, वह मंगल ग्रह का होना बहुत जरूरी है। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य आपको सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, आप अपने आप को आगे लेके आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपको कहीं से अर्निंग ऑफ सोर्स बनेंगे। तो आपके अंदर सूर्य हौसला देता है, आप सेल्फ मेड हैं, अपने लेवल पे आप उस चीज को कर रहे हैं। मंगल, मंगल का यहां होना क्या है, मंगल आपको कॉन्फिडेंस देता है। मंगल भूमि, मकान, दुकान, इन सब चीजों से रिलेटेड माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया है, शनि, शनि का होना भी बहुत लाजमी है दोस्तों। आप शनि को यह समझ के ना चलें कि शनि मकान के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर मंगल शनि का होना बहुत लाजमी है। टेक्निकल भाषा में आपको मैं समझाता हूं, आपकी ही भाषा में। अगर मंगल भूमि है, भूमि से जो मिट्टी है, मिट्टी से ही ईंटें बनती हैं। अब शनि क्या है, शनि का धातु है लोहा। जब पिल्लर खड़े होंगे, उसके जो लेंटर पड़ेगा तो उसके अंदर लोहा पड़ेगा दोस्तों। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। सूर्य क्या है, सूर्य फंड्स हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है, आपको बहुत इज्जत मान सत्कार मिलता है जब आप अपने एक लेवल पे किसी चीज को डेवलप करके, खड़ा करके वहां पे मुहूर्त करते हैं, लोग आते हैं तो वाह वाही मिलती है, नेम फेम। तो बात कर रहे हैं इन तीन प्लैनेट्स की दोस्तों। इनके अंदर आपको महादशा, उच्च के हो जाए तो महादशा इनकी लगनी बहुत लाजमी है। सूर्य की महादशा में अगर मंगल का अंतर आ जाए तो भी बन जाता है मकान आपका। या ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ही एक टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर आप बात भी कर सकते हैं, वह ऑफिस भी आ सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो वहम भ्रम भ्रांतियां हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो निकले, और आप इस चैनल को मैक्सिमम शेयर, लाइक्स व कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ये भेजेंगे और हमारा हौसला भी बढ़ेगा, वह उनकी भी जो भ्रांतियां हैं, जो इंक्वायरीज हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में, नए रत्न, वह नई विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा।